हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, नेक्स्ट डे इन सखर सिंध। चेक कर सकते हो भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चेक कर सकते हो, यहाँ पे वहाँ पे चारों तरफ जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सामने जो है ना दरिया है सखर सिंध का। ठीक है, तो अभी उठे नींद से, नहा धो के हुए फ्रेश, भी जो है ना खाना वाना नहीं खाया, खाना वगैरह खा के उसके बाद जो है ना निकलते हैं थोड़ा आउटिंग पे, सखर चल के घूमते हैं। एक दो काम है वो भी जो है ना करेंगे। ठीक है, बाकी मौसम भी आप लोग चेक कर सकते हो भाई, लेवल का जो है ना मौसम हुआ है। इस टाइम बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, मौसम काफी ज्यादा प्यारा है। ठीक है, बाकी जिस जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। बाकी रात भी जो है ना निकल गए थे थोड़ा बहुत आउटिंग पे, उसके भी छोटे मोटे क्लिप बना दिए थे मैंने, पहले वो क्लिप देख लें। अभी जो है ना टाइम हो रहा है रात के 12:50, ये आप लोग टाइम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम जो है ना मेरा मूड हुआ था कि मैं जो है ना जाकर जूस पीऊं चीकू का, तो मैं जो है ना घर से निकल आ गया था यहाँ पे, ये कोई शॉप है वहाँ जो है ना चौक के सामने ही सखर में, तो इस भाई को मैंने जूस का जो है ना ऑर्डर किया। मैंने कहा यार जूस पिलाओ लेवल का चीकू वाला, उसने कहा बस 2 मिनट दो लेके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बस खाना वाना खा के जो है ना निकला था, मैंने कहा जूस पीते हैं भाई, मूड हो रहा था। 12:50 हो रहे हैं और आवाम इस टाइम तक जो है ना मजे से अपना बाइक पे घूम रही है और गाड़ियों पे घूम रही है। अगर यहाँ पे कराची होता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस तरह जो है ना फोन पकड़ के यहाँ पे इस टाइम व्लॉग बना रहा होता। तो सुकून का माहौल है यार यहाँ पे, फुल जो है ना मजा है, चिल माहौल है बिल्कुल। कोई रोड पे जो है ना कुछ भी नहीं है, सारी आवाम जो है ना आ जा रही है बाइक्स पे, यहाँ का माहौल जो है ना बड़ा मजे का है, बंदा रात को देर तक घूमे नो टेंशन। थैंक यू। कितने हुए? 180 रुपए। 180 रुपए ये ले। चस आ गई है यार कसम से, ऐसा ओरिजिनल चीकू का जूस जो है ना पीने के लिए बहुत कम जगह पे मिलता है। तो बस ये रात को जो है ना थोड़ी बहुत आउटिंग कर ली थी, अभी जो है ना नीचे चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद उतरते हैं। बहुत बहुत लंबी सीढ़ियां हैं वो उतरनी है, फिर अपनी स्वीटी को निकालते हैं और चलते हैं थोड़ा बहुत आउटिंग पे, थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं। सही है, सामने जो है ना दरिया है सिंध है सखर का, और ये मिट्टी आप लोग चेक कर सकते हो, तूफान जो है ना आ गया उस तरफ और अभी इस तरफ भी आ रहा है आस्ते आस्ते, आ गया रहा है, लगभग आ ही गया है। उतरते हैं नीचे, इससे पहले ही हवा जो है ना हमें उठा के नीचे फेंक दे, हम खुद ही जो है ना उतर के नीचे चले जाते हैं। खैर नीचे चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद जो है ना निकलते हैं। तो सामने जो है ना हमारी स्वीटी खड़ी हुई है नीचे, ये देख सकते हो आप लोग, मिट्टी स्टार्ट हो गई है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, स्वीटी बेचारी खड़ी हुई है नीचे। ये ट्रैक्टर वाले ने जो है ना रास्ता बंद कर दिया हमारी स्वीटी के निकलने का। असला जो है ना सारा ट्रैक्टर वाले ने खराब किया हुआ है, स्वीटी जो है ना वहाँ पे खड़ी हुई है लेकिन अभी ये निकल नहीं सकती, इसने जो है ना फंसा दी है। वो पहले ही जो है ना बेचारी बारिश हुई है, मट्टी शट्टी चली है, सारी जो है ना गंदी हो गई है, लेकिन अभी इसका पता नहीं क्या करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये ट्रैक्टर जो है ना यहाँ पे खड़ा करके कुछ पता नहीं कब खराब हो गया। बाकी यार इसकी हालत जो है ना खराब हो गई सारी, इसकी छोड़ो सामने सिविक खड़ी है इसकी भी हालत खराब है, पर ये तो यार ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है। ये मेरा भांजा भी अभी परेशान है कि स्वीटी को जो है ना यहाँ से निकालें कैसे, इसकी बाकी हालत बेचारी की खराब हुई हुई है, पर ये फंसी हुई है इस तरफ जो है ना ट्रैक्टर इसने खड़ा कर दिए, पीछे जो है इसकी रेत पड़ी हुई है सारी,
अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से निकले कैसे। खैर इसको बुलाते हैं, ढूंढते हैं कहीं से। फैसल भाई को जो है ना बोला है, बड़ी मुश्किलों से ट्रैक्टर वाले को ढूंढ के लेके आए हैं, उसने आगे किए। अब हम यहाँ से जो है ना गाड़ी निकालते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी गर्म हो, बाकी हालत बेचारी की ख़राब हुई है सारी। अभी जो है ना यहाँ पे आए हुए हैं बाजार की तरफ। थोड़ा गाड़ियों का वर्कशॉप है यहाँ पे जो है ना, गाड़ी का थोड़ा एसी का जो है ना कूलिंग का जो गैस है वो मैंने कहा चेक करवाऊँ यहाँ से। यहाँ से थोड़ा सा चेक करवाते हैं यहाँ से, इसका एसी जो है ना थोड़ा कूलिंग इसके यहाँ से जो है ना चेक हो रहा है। इसमें भाई ने भी काले कपड़े आज लगाए हुए हैं, फैसल भाई भी हमारे साथ हैं। एसी ऑन करूं? एसी जो है ना इस तरफ से मतलब सही ठंडा कर रहा है, वो वाला साइड थोड़ा सा ठंडा नहीं कर रहा है। मैंने कहा तो गैस वगैरह इसकी कम होगी, पता नहीं क्या 50% जो है ना गैस कम थी गाड़ी में, वो भी जो है ना मैं इसके एसी में जो है ना कूलेंट की जो गैस कम थी वो डलवा रहा हूँ अभी यहाँ से। ये गैस जो है ना गाड़ी में डल रही है। कितने परसेंट कम थी इसकी गैस? 50% ना, 50% जो है ना इसकी गैस कम थी। एसी रनिंग पे जो है ना गाड़ी ओके चल रही थी, खड़े ही जब गाड़ी खड़ी हुई थी तब मजे की जो है ना नहीं चल रही। गैस कम थी, मैंने कहा डलवाऊँ यहाँ पे। गैस ओरिजिनल थी 18 में, मैंने कहा यहीं से आके जो है ना डलवाऊँगा, वहाँ पे मज़े की नहीं थी। तो ये जो है ना कार एसी वाला है, बस यहाँ से जो है ना इसका गैस डलवाते हैं, ओके करवा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं, एकदम से कंप्रेसर पे लोड पड़ जाता है आराम आराम से। हाँ आराम आराम से जो है ना गैस इसमें डल रहा है। बाकी वो भाई वाले जो है ना अंदर चिल कर रहे हैं। कि मौसम आप लोग चेक कर सकते हो, बादल ही बादल हैं, लेवल का जो है ना मौसम हुआ है। गैस इसकी जो है ना बराबर होने वाली है अभी एसी की, और कल से जो है ना शायद सिंध बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का भी बताया हुआ है, वो सीन भी ख़राब होने वाला है। कैसी कर रही है कूलिंग अभी? सही है ना, पहले गैस आधी थी इसमें, सही मज़े की कूलिंग नहीं कर रही थी, अभी कूलिंग जो है ना बराबर कर रही है। गैस जो है ना इसमें बराबर हो गई है। अब जो है ना उसका गियर ऑयल थोड़ा सा मैंने कहा चेक करवाऊँ, गियर में थोड़े से इसके गियर कर रहे थे आवाज़। तो अभी गियर ऑयल भी जो है ना इसका चेक हो रहा है, देखते हैं इसका गियर ऑयल बराबर है या फिर नया डलवाते हैं। उस्ताद को कहा, उस्ताद चेक कर रहे, चेक करे उसके बाद पता चलेगा कि ज़रूरत है तो डलवाएंगे, अगर नहीं है ऐसे ही। गियर ऑयल जो है ना गाड़ी का ओके, तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ इसका अपना नहीं है। अच्छा गियर ऑयल ओके है ना इसका, बस ठीक है। ये भाई सखर का घंटा घर, क्लॉक टावर, क्लॉक टावर इस तरफ चले। रश कश है यहाँ पे, और ये के साथ गाड़ी लगाओ, मसूद को बुला के लाओ, वो लेके देगा सामने। ठीक, गाड़ी का जो है ना एसी अभी ऐसा हो गया, फुल चिल एसी चल रहा है अंदर जो है ना, फुल माहौल ठंडा ठंडा हो गया। बाहर गर्मी है, सखर में गर्मी है वैसे। ये मेन सिटी है, घंटा घर है सामने सखर का। यहाँ पे जो है ना अभी फैसल भाई गए हुए हैं थोड़ा अपने काम से, उनके वेट में बस हुआ है। अपने काम से, हमारे काम से, हमारे काम से, अपने काम से, हमारे काम से, बस हमारे काम से गए। बात हुई अपने काम से, हमारे काम से। फिलहाल तो जो है ना यहाँ चौक पे खड़े हुए एसी के मजे ले रहे हैं, एसी सेट करवाया, ऐसे हो रहा है अभी, क्या बात है। तो यार अभी जो है ना सूखा तालाब आए, गाड़ी के जो है ना हारन हमारे मजा नहीं कर रहे थे, तो यहाँ से जो है ना नए हारन काबली जो है वो डलवा रहे हैं गाड़ी में। ये बड़े वाले हैं वो मज़ा नहीं कर रहे थे, बाकी जूस वगैरह भी पी रहे हैं। पोली साथ साथ, पोली नहीं सॉरी ये पाकोला। इधर मन बाल चेक करो, बाल हवा है यार। मौसम कैसा हो रहा है? मौसम अच्छा है। ये कौन सी जगह? सूखा तालाब, पता नहीं सूखा है कि गीला है यार, मैंने कभी नहीं देखा। ये कौन सी जगह है? गाड़ी की यार हॉर्न मजे की नहीं, जो तो बिल्कुल नहीं चल रहा। ये पुराने वालों
कैसे आवाज उनकी तो चल ही नहीं रहे लोग बूढ़े हैं सही कर रहा है सही लगा रहा है उसको निकाल के छुटा नहीं होता मोटरसाइकिल वाला उससे कोई हटेगा भी नहीं नहीं हटने वाले इससे भी नहीं हटेंगे उससे कोई हटेगा नहीं इससे सुनेंगे तो सही लगवाना ये लगवाते हैं हाँ ये वाले ओके लगवाते हैं ये वाले हरन है ये अभी आवाज आप लोगों ने सुनी है पर ये जो है ना 4,500 रुपए के हैं इतने महंगे हैं पर खैर लगवा रहे हैं ये जो हरन है ना ये डेरा लायर से लगवाए थे लोकल हरन है ये ऐसे फजूल चल भी नहीं रहे थे आवाज़ ही नहीं थी इनमें फिर मैंने कहा चलो भैया ये सखर वैसे ही आए हुए हैं बस यहाँ से जो है हरन भी चेंज करवाते हैं नए वाले ये अभी इसमें फिट होंगे आवाज़ बाकी आप लोगों ने सुनी है लेवल की आवाज़ है हरन जो है ना इसमें फिट हो गए ओके भाई वाले जो है ना वहीं पे रुक गए थे उन्हें दोस्त वगैरह मिल गए उनके पास मैं और मेरा छोटा सा भांजा जो है ना अभी जा रहे हैं आगे यहाँ पे एक डेकोरेशन वाली शॉप है वहाँ से एक दो सामान लेने और स्पॉइलर भी देखते हैं गाड़ी का अच्छा मिल गया तो वो भी लगवाते हैं अगर ना मिला तो फिर चलते हैं भाई वापस ठीक है सामने यहाँ पे डेकोरेशन वाली शॉप है हारन जो है ना लेवल वाले लग गए ये ऐसी ख़तरनाक आवाज़ है इनकी ये वाली शॉप है यहाँ से चल के जो है ना पता करते हैं गाड़ी खड़ी करते हैं यहाँ साइड पे कलर कौन कौन से हाँ ये भी अच्छा है ब्लैक नहीं यार ब्लैक मिट्टी हो जाता है बहुत ज़्यादा सिल्वर में नहीं पड़ा हुआ सिल्वर में चेक करें नहीं ये भी नहीं सिल्वर में देखें ब्लैक तो पहले ही उसका जो है ना वो ब्लैक हुआ है आगे वाला बम्पर उस पर नज़र भी नहीं आएगा सिल्वर देखें दो पीस पर बस ये आप रख के देखें ब्लैक के ना ये अच्छा लगेगा ब्लैक कैसे मजा करेगा सही है देखो ना आप सही है लगाएं यहाँ पे लगाएं यहाँ तो बहुत नीचे हो जाएगा ये दिखाएं यहाँ तो बहुत नीचे है यहाँ सही रहेगा यहाँ पे सही नहीं लगेगा यहाँ पे यहाँ पे सबसे ऊपर सही है हाँ यहाँ पे लगाएं फिर थोड़ा साइड पे करके लगाते ना बेटा इसके गुलाई में है ना फिर गुलाई में नहीं आते नहीं ये चीज अच्छा यहाँ पे सही है बिल्कुल सही ये है। तो घूम रहा है इसको थोड़ा सा टाइट करें थोड़ा सा टाइट कर दें स्पॉइलर लेने गया है भाई हाँ ठीक है ओके ब्लैक सिल्वर होता वो और अच्छा था हाँ चलो ब्लैक भी ठीक है सिल्वर और अच्छा लगता लेकिन ब्लैक भी अच्छा लग रहा है इस पर चलो सही है सामने ही दुकान है वो स्पॉइलर लेने गए ना भाई चलो स्पॉइलर भी जो है ना चेक करते हैं बाकी ये भी जो है ना लगा है इस पर ये जब ये ब्लैक करवाया था ना तो इस पर पहले ये लगा हुआ था लेकिन वो फिर जो है ना उतर गया था अब ये दोबारा इस पर लगा दिए ये जो है ना इस पर मज़ा करता है अब बोके लग रहे हैं स्पॉइलर नहीं है इसके पास कह रहा है वाइट पड़े हुए सारे वाइट कलर के जो है ना सारे स्पॉइलर पड़े हैं मैंने कहा ब्लैक को या सिल्वर वो लगाए पर दोनों में नहीं वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ वाइट पड़े हुए वाइट मज़ा नहीं करता है ब्लैक पे गाड़ी ब्लैक हुई भी है स्पॉइलर सारे वाइट उम्र सारा दिन जो है ना बिजी गुजरा है अभी जो है ना सारा काम आज इसका गाड़ी का हुआ है अभी सारा काम वगैरह इसका क्लियर करवा के हम जा रहे हैं KFC भूख लगी यहाँ से बर्गर पकड़ते हैं फिर चलते हैं यार ये मिलिट्री रोड है सामने ही KFC यहाँ से लेते हैं यार रश देखते हैं अगर है ज़्यादा तो फिर नहीं चलेंगे रश कम है तो फिर चलते हैं ओई बड़ी रश है ना बड़ी रश है इधर भाई रश है बड़ी KFC पे जा रहे हैं वापस आज का सारा दिन जो है ना गुजरा गाड़ी के काम में सारा दिन स्वीटी के कामों में गुजरा है ठीक है उसको बनाया सेट किया है काफी ज्यादा थक गए बस नीचे से जो है आइसक्रीम लेके मैं वापस ऊपर घर जा रहा हूँ KFC गए थे इतनी रश थी हम लोग थके हुए थे दिल ही नहीं कर रहा था जो है ना वहाँ पे वेट करने का बस आइसक्रीम ली मैंने कहा घर चलते हैं
बड़ी मुश्किलों से यार सीढ़ियाँ जो है ना चढ़ के आया हूँ मैं ऊपर। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जो है ना मेरी रग जो है ना पड़ गई है यार, बड़ी जो है ना सखर में सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने की हमें इतनी आदत है नहीं, वो नीचे से जो है ना ऊपर आना पड़ता है बार बार। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाना। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। घर में जो है ना बड़ी मजे मजे की चीजें बनी हुई है, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे पुलाव शलाव वाइट वगैरह कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ पता नहीं क्या से क्या जो है ना बना हुआ है, तो अच्छा हुआ KFC हम लोग नहीं गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।